इस मूवी की स्टारिंग ईथन नाम के लड़के के सपने से होती है, जो कि साउथ कैरोलिना शहर के गैटलिन गांव में रहता था। उसे किसी अननोन लड़की के सपने आते थे, जिसकी उसे पूरी तरह शक्ल दिखाई नहीं देती थी। उसके सपने में चल रहा होता है कि अगर वो उस लड़की के पास जाएगा तो कुछ बहुत ही टेरिबल होगा, पर उस टाइम वो उस चीज से नहीं डरता। ईथन किसी भी हाल में उस लड़की को पाना चाहता था, पर वो उस तक पहुंच नहीं पाता और मर जाता है। सपने से उठकर वो उस लड़की की ड्राइंग करता है। इसके बाद ईथन जॉगिंग पे निकल जाता है। जॉगिंग करते टाइम ईथन अपने शहर के बारे में सोचता है कि उसकी मॉम कहा करती थी, इस शहर में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो इस शहर को छोड़ने के लिए पागल हैं, या जो वो जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। और उसके डैड अपना कमरा भी नहीं छोड़ पाए थे जब से उसकी मॉम की डेथ हुई है। ईथन वहाँ से वॉक करता हुआ एक ग्रीन बेयर नाम की जगह पर पहुँच जाता है और सोचता है कि उसे कई बार लगता है कि वो ग्रीन बेयर पर लड़ रहा है। यहाँ ईथन अचानक से उठता है और उसे जमीन पर एक लॉकेट मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। अगले सीन में ईथन किचन में ब्रेकफास्ट बनाता हुआ अपने डैड को आवाज मारता है और यहाँ एमा आती है। एमा ईथन की मॉम की काफी अच्छी दोस्त थी। एमा ईथन की तब से देखभाल कर रही थी जब से ईथन की मॉम की डेथ हुई थी। इसके बाद ईथन लिंक को पिक करने के लिए उसके घर जाता है और कार में स्कूल जाते टाइम लिंक ईथन को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो नई लड़की आई है वो रेवनवुड से है। ईथन कहता है कि उसे लगता है कि जो ओल्ड मैन रेवनवुड में रहता है वो अकेला ही रहता है। यहाँ लिंक उसे बताता है कि उसकी नीज टाउन से यहाँ पर मूव ऑन हुई है। और अगले सीन में ईथन स्कूल में बुक पढ़ रहा होता है। यहाँ एमिली नाम की एक लड़की आती है और वो ईथन को कहती है कि उसने समर में ईथन को काफी मिस किया है। इसके बाद एमिली ईथन से मूवी के बारे में पूछती है और ईथन हाँ कर देता है। इसके बाद एक लड़की बाहर से क्लासरूम में आती है और बैठ जाती है। सभी उसका सरनेम गेस करने लगते हैं, लेकिन वो लड़की शांत रहती है। यहाँ एमिली और उसके फ्रेंड्स उसे रेवनवुड कहते हैं और बोलते हैं कि वहाँ रहने वाले लोग डेविल को वर्शिप करते हैं, लेकिन वो लड़की उनकी बात मजाक में टाल देती है। इसके बाद ईथन बारिश में घर जा रहा होता है। यहाँ ईथन की कार के सामने कोई आ जाता है। ईथन उसी टाइम अपनी कार को रोक देता है। वो लड़की लेना होती है। कुछ देर आर्ग्यू करने के बाद लेना ईथन की कार में बैठ जाती है और वो स्कूल के बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के बारे में बातें शुरू करते हैं। यहाँ बुक पढ़ रही होती है। ईथन उस बुक को देखकर उस बुक के बारे में बात करता है। फिर ईथन लेना को उसके घर ड्रॉप करता है। ईथन लेना से बात करना चाहता था, लेकिन लेना काफी रूड थी और वो दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद ईथन घर जाकर वही बुक पढ़ता है जो कार में लेना पढ़ रही थी। इसके बाद ईथन वो लॉकेट देखता है जो उसे ग्रीन बेयर में मिला था। इसके बाद रात में सभी लोग ग्रीन बेयर में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही जगह पर बार बार बिजली गिर रही थी। एमिली को लगता है कि जब से उस टाउन में लेना आई है, ये तब से उनके टाउन में हो रहा है, और लेना के बारे में और भी बातें करती है। यहाँ ईथन को लेना के बारे में सुनके काफी गुस्सा आता है। ईथन एमिली को चुप करवा देता है। यहाँ एमिली गुस्से में मूवी का प्लान कैंसिल कर देती है और ईथन से ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन स्कूल में एमिली फिर से ईथन को कहती है कि वो अभी भी उसकी केयर करती है, बट एज अ फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पर क्लास टीचर आ जाती है। टीचर क्लास में वो बुक पढ़ाने लगती हैं जो कि बैंड है। एमिली और उसके फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि तुम ये बुक हमें नहीं पढ़ा सकती, ये बुक बैंड है। इसके बाद एमिली लेना को टॉन्ट करती है। वो लेना को एक बिच कहती है। इसके बाद वो उसकी फ्रेंड्स के साथ प्रे करने लगती है। यहाँ टीचर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो दोनों नहीं रुकती। इससे लेना को काफी गुस्सा आता है। यहाँ अचानक से क्लासरूम के सारे शीशे टूट जाते हैं। इसके बाद लेना यहाँ से भाग जाती है। ईथन लेना को मिलने उसके घर जाता है और जब वो गेट पर पहुँचता है तो वो गेट अचानक खुद ही खुल जाता है। ईथन थोड़ा सा घर के अंदर आता है, लेकिन उसे लेना वहाँ नहीं मिलती। ईथन को वहाँ दरवाजे के पीछे किसी का पैर दिखता है। ईथन इससे घबरा जाता है और घर के बाहर आ जाता है। इसके बाद दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। इसके बाद ईथन देखता है कि लेना अकेली बैठी हुई है। ईथन उसके पास चला जाता है और कहता है कि उसे किसी की बात सुनकर हर्ट नहीं होना चाहिए। ईथन लेना को बातों बातों में कहता है कि वो उसे पसंद करता है, पर लेना उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। बाहर जाते टाइम दोनों उसी बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद लेना ईथन से माफी मांगती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मेरे अंकल वापिस आने वाले हैं। उसके अंकल घर के पास किसी को नहीं देखना चाहते। फिर ईथन लेना को बताता है कि वो गलती से घर के अंदर चला गया था। इसके बाद ईथन वो लॉकेट लेना को गिफ्ट करने लगता है जो उसे ग्रीन बेयर में मिला था, लेकिन यहाँ लीना को उसके अंकल आवाज मार देते हैं। इससे ईथन वो लॉकेट अपने पास वापस रख लेता है। इंट्रोडक्शन से पता चलता है लेना के अंकल ईथन की मॉम को जानते थे। लेना के अंकल का नाम मैकन था। मैकन ईथन को चाय के लिए इनवाइट करता है। यहाँ लेना ईथन को इशारा करती है कि वो मना कर दे, पर ईथन चाय के लिए मान जाता है और घर के अंदर आ जाता है। यहाँ सभी शहर और उनके लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद अंकल मैकन पियानो बजाने लगते हैं। फिर लीना ईथन को बताती है कि उसके अंकल को स्कूल वालों ने बुलाया है, वो विंडो वाले एक्सीडेंट के कारण। यहाँ ईथन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बातों के टाइम लेना ईथन को बताती है कि उसके अंकल को हर चीज गूगल पे सर्च करना बहुत अच्छा लगता है, और उसके अंकल भी वही कहते हैं जो उसकी मॉम कहा करती थी इस शहर के लोगों के बारे में, कि शहर में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो छोड़ने के लिए बेवकूफ हैं और एक वो जो यहाँ फंसे हुए हैं।
और वो इथन की मॉम के बारे में बात करते हैं। यहाँ अंकल मैकन की बातों से लगता है कि वो इथन की मॉम को काफी अच्छी तरह जानते थे। मैकन इथन से उसके दादू से इथन का सारा फ्यूचर देख लेते हैं। यहाँ इथन काफी डर जाता है और घर से बाहर चला जाता है। लेना उसके जाने के बाद अपने अंकल मैकन से बात करने लगती है कि वो उसे अपने 16 बर्थडे तक तो फ्रेंड बना सकती है। इसके बाद लेना अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। वो खिड़की में से इथन को देखती है और उसके पास जाती है। इथन लेना को बताता है कि उसे उसके सपने आते हैं, पिछले कुछ महीनों से लगातार उसे उसके सपने आ रहे हैं। इसके बाद इथन वो लॉकेट निकालता है। उस लॉकेट पर एक डेट लिखी होती है, 21 दिसंबर। यहाँ लेना बताती है कि उसका बर्थडे 21 दिसंबर को है, इस साल वो 16 साल की हो जाएगी। इसके बाद इथन वो लॉकेट लेना को देता है और कहता है कि वो ये अर्ली स्वीट 16 प्रेजेंट समझकर रख ले। जब दोनों के हाथ उस लॉकेट को छूते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के रिफ्लेक्शंस आने लगते हैं। इसके बाद सीधा इथन अपने बेड पे उठता है। यहाँ उसके घर में एमा होती है। इथन नीचे आकर एमा से पूछता है कि वो यहाँ घर कैसे पहुंचा, लेकिन एमा उसे कहती है कि जब वो यहाँ आई तुम पहले से ही सो रहे थे। एमा यहाँ इथन को कहती है कि तुम्हें लेना से दूर रहना चाहिए, लेकिन इथन एमा को उसके मामले से दूर रहने के लिए बोलता है। यहाँ एमा इथन के हाथ में वो लॉकेट देख लेती है। इसके बाद एमा इथन को कहती है कि वो लॉकेट ग्रीन बेयर में वापस रखा है, लेकिन इथन यहाँ कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी बताया ही नहीं कि ये मुझे ग्रीन बेयर में मिला था। इसके बाद इथन सीधा लेना के घर आ जाता है। यहाँ लेना के अंकल मैकन ने पूरे घर को मंत्रों से सुरक्षित किया हुआ था। इथन जब घर के आगे जाता है तो वो एक बार मुड़ के देखता है कि वो अपने आप को ही वापस आता देख रहा है। इसके बाद उसे यहाँ पर कोई चीज जकड़ लेती है, लेकिन यहाँ लेना आकर उसे बचा लेती है और अपने रूम में ले जाती है और इथन को कहती है कि हमारी फैमिली अलग है, हमारी फैमिली के पास पावर्स हैं। इथन लेना को पूछता है कि बाहर क्या था। लेना इथन को बताती है कि वो एक स्पेल था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए जब अंकल मैकन यहाँ पर ना हो। इथन लेना से पूछता है कि क्या तुम एक विच हो, लेकिन लेना इथन को बताती है कि वो एक कैस्टर है और कहती है कि उसने अनजाने में क्लास की खिड़कियां तोड़ दी थी क्योंकि उसकी पावर्स कंट्रोल से बाहर हो गई थी। यहाँ लेना इथन को कुकीज देती है। इथन यहाँ लेना को काफी हैरान होकर देख रहा होता है। फिर लेना इथन को कहती है कि ये कुकी मिक्स से बना है। फिर इथन लेना को उस लॉकेट के बारे में पूछता है, पर लेना उसे कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन जब हम दोनों इस लॉकेट को हाथ लगाते हैं तो हम दोनों को रिफ्लेक्शंस आते हैं। इसके बाद इथन उस लॉकेट को समझने की कोशिश करता है। फिर इथन लेना को पूछता है कि तुम और क्या क्या कर सकती हो। लेना अपनी कुछ पावर्स इथन को दिखाती है, लेकिन बाद में वो कहती है कि मुझे ये सब एक मॉडल को नहीं दिखाना चाहिए था। इसके बाद लेना कहती है कि वो छुप छुप कर तंग आ गई है, वो अब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। इथन यहाँ लेना को कहता है कि तुम एक मैराइकल हो, तुम नॉर्मल क्यों होना चाहती हो। इसके बाद इथन और लेना किस करते हैं। यहाँ लेना इथन को बताती है कि मुझे भी तुम्हारे ड्रीम्स आते थे, लेकिन मुझे लगता था कि तुम रियल हो। उतने में ही लेना के अंकल मैकन की आवाज आती है। अपने अंकल की आवाज सुनकर लेना इथन को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेना जादू से एक टहनी बना देती है ताकि इथन आराम से नीचे उतर पाए। अगले सीन में एमा और मैकन को दिखाया जाता है जो कि जंगल में होते हैं। यहाँ एमा मैकन को वार्न करती है कि लेना की वजह से इथन को कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी बातों से पता चलता है कि एमा एक सीयर है। मैकन एमा को कहता है कि वो अपने एंसेस्टर्स से पूछे कि सेराफिन लेना के साथ क्या करने वाली है। एमा अपने सिस्टर से प्रे करती है, पर उसे पता चलता है कि कर्स को रोकने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ सीन चेंज होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कार को ओवरस्पीड ड्राइव कर रही होती है। वो देखती है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। वो अपने जादू का इस्तेमाल करके पुलिस की कार को साइड में फेंक देती है। इसके बाद लेना और इथन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठे होते हैं जिसके पास एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है। यहाँ ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। लेना इथन को बताती है कि अपने 16 बर्थडे की रात को वो लाइट या डार्क कैस्टर में बदल जाएगी, लेकिन वो उसके ट्रू नेचर पर डिपेंड करता है कि वो डार्क बनेगी या लाइट। इसी कारण मैकन उसे यहाँ लाया था। इसके बाद वो अपने टैटू के बारे में बताती है कि वो उन डेज के अकॉर्डिंग है जितने दिन उसके 16 बर्थडे को रह गए हैं। इसके बाद हमें चर्च दिखाया जाता है जहाँ विंडो इंसिडेंट के बारे में सभी डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल और मेयर भी मौजूद होते हैं। यहाँ अचानक से मैकन आ जाता है और कहता है कि उसकी नीस पर जो भी इल्जाम लगे हैं वो सभी झूठ हैं, और मिसेस लिनकॉलिन से बहस करने लगता है। यहाँ अचानक से सभी गायब हो जाते हैं और मिसेस लिनकॉलिन सेराफिन में बदल जाती हैं। सेराफिन मैकन को बताती है कि कर्स लेना को डार्क की तरफ ले जाएगा, और वो बताती है कि पहले प्यार का हार्ट ब्रेक लेना को एक डार्क स्ट्रॉन्ग कास्टर बनाएगा, और वो मॉडल्स को खत्म कर कैस्टर का राज लाने की बात करती है। मैकन यहाँ चीखता है, तभी सेराफिन वापस ले आती है। चर्च में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और मैकन कहता है कि अब से लेना स्कूल आएगी। अगले सीन में रिडले इथन से मिलने आती है और उसे किस करती है। इथन उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। रिडले यहाँ कहती है नहीं, और कहती है कि मैं लेना की बहन हूँ और उसे फैमिली डिनर पर इनवाइट करने आई हूँ। यहाँ सबके सामने रिडले इथन पर एक जादू कर देती है जिससे इथन कुछ बोल नहीं पाता। रिडले लेना से बात करते टाइम
कहती है कि अगर तुम डार्क नेचर चूज नहीं करोगी तो कर्स के कारण वो डार्क में बदल जाएगी। लैना पूछती है कि कर्स क्या है। यहाँ रिडले इथन को खिलाने लगती है। इससे लैना को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में टेबल ही घुमाने लगती है। लैना गुस्से में रिडले को कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहे और रिडले को घर के बाहर फेंक देती है। इसके बाद वो टेबल को रोकती है। यहाँ इथन नीचे गिर जाता है। लैना अपनी ग्रैंडमा से कर्स के बारे में पूछती है पर वो कोई जवाब नहीं देती और वो मैकन से लैना और इथन के प्यार के बारे में बात करते हैं। लैना इथन को रूम में ले जाती है। यहाँ ये दोनों रिडले के बारे में बात करते हैं। लैना यहाँ इथन को बताती है कि हम पहले बहनों की तरह थी लेकिन रिडले अपने 16th बर्थडे पर घर से भाग गई थी क्योंकि उसे डर था कहीं उसे डार्क ना क्लेम कर ले। और लैना बताती है कि उस रात जो भी हुआ उसने वो सब देखा था। रिडले एक डार्क में बदल गई थी। उसने एक लड़की को अपने वश में करके ट्रेन से टकरवा दिया था और कहती है कि उसके साथ सही नहीं हुआ। लैना इस बात से डरती थी कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ही ना हो पर इथन उसे समझाता है कि ऐसा नहीं होगा। अगले सीन में लैना और इथन थिएटर के बाहर होते हैं जहां एमिली और उसके बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं। यहां एमिली लैना को भड़काने की कोशिश करती है पर इथन लैना को शांत करता है। थिएटर के अंदर इथन लैना को कहता है कि तुम उन लोगों के कारण अपने आप को बॉदर मत करो। यहां इथन की पॉकेट में से वो लॉकेट निकलता है। लैना इथन को कहती है कि वो ये लॉकेट देखना चाहती है और इन दोनों को यहाँ थिएटर में ही वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के रिफ्लेक्शन शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ इथन नाम के एक लड़के को गोली लगी है लेकिन वहाँ एक लेडी होती है जिसका नाम जेनी ईव होता है। वो उसे अपने स्पेल से जिंदा कर देती है और एक डार्क में बदल जाती है और दोबारा खुद ही इथन को मार देती है। इसके बाद इन्हें सेराफीन का रिफ्लेक्शन दिखता है जो कि बताती है जेनी ईव उनकी पूर्वज है और वो डार्क में बदल गई थी और वो भी ऐसे डार्क में ही बदल जाएगी क्योंकि हम सब जेनीव का ही खून है। इसे रहना घबरा जाती है और चीख देती है। यहाँ से ये दोनों इथन के घर पर जाते हैं जहाँ एमा होती है और मैकन भी वहाँ आता है। मैकन लैना को बताता है कि जेनीवीव उसकी ग्रेट 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 ग्रैंडमदर थी और इथन कार्टर इथन के एंसेस्टर्स थे जिन्हें वॉर में किसी ने शूट कर दिया था और जेनीवीव ने उन्हें जिंदा करने के लिए जो स्पेल यूज किया था वो आज भी हमारे लिए फॉरबिडन है। कोई भी कास्टर जान वापस नहीं ला सकता पर जेनी ईव ने ऐसा किया इसीलिए उसकी सोल को हमेशा के लिए डार्कनेस ने कंज्यूम कर लिया। यहाँ इथन पूछता है कि जेनी ईव ने इथन को जिंदा कर लिया था लेकिन बाद में उसने खुद ही इथन को मार क्यों दिया। एमा उसे बताती है कि ऐसे डार्कनेस में प्यार की कोई जगह नहीं होती वो सब भूल जाते हैं। मैकल नैना को कहता है कि मुझे विश्वास है कि कर्स को तोड़ा जा सकता है। उसका ट्रू नेचर लाइट ही क्लेम करेगी बस उन्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। और मैकन यहाँ कहता है उसके लिए इथन और लैना को अलग रहना होगा। मैकन लैना को यहाँ से ले जाता है। इसके बाद मैकन और लैना 2 हफ्ते अलग रहते हैं। इसके बाद इथन के घर मिसेस लिनकॉलिन आती हैं। लेकिन यहाँ इथन को बातों से पता चलता है कि वो लैना की मॉम सेराफीन है और वो जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करती हैं। पर लैना ने इथन के घर को स्पेल से प्रोटेक्ट किया हुआ था ताकि उसे कोई हार्म ना कर सके। इथन अपने घर से भागकर लैना के घर जाता है। उसकी ग्रैंडमा स्पेल से बैरियर लगा देती हैं और मैकन उसे जाने के लिए कहता है और वो उस बैरियर को क्रॉस कर लेता है। लैना की फैमिली यहाँ काफी हैरान होती है क्योंकि इथन एक मॉर्टल होने के कारण भी बैरियर कैसे क्रॉस कर पाया। इथन लैना को कहता है कि चाहे जो भी हो जाए वो उसे प्यार करेगा और ना डार्क उसे क्लेम करेगा और ना वो उससे अलग होगी। वहां से इथन और लैना एमा के पास लाइब्रेरी में जाते हैं। वहां एमा एक सीक्रेट दरवाजा खोलती है जिसके अंदर सभी कैस्टर्स की हिस्ट्री होती है। एमा वहाँ लैना को अपने मन से सोचने के लिए कहती है और वहाँ एक दरवाजा खुलता है जिस कमरे में सिर्फ एक ही बुक होती है। एमा बताती है कि ये बुक बुक ऑफ मून है और जब लैना उस बुक को खोलती है तो वो देखती है कि सभी पेजेस खाली होते हैं। यहाँ एमा बताती है कि वो खुद चुनती है कि कौन उसे पढ़ सकता है। जब इथन और एमा कमरे से बाहर जाते हैं तब उस बुक पर वर्ड्स आने लगते हैं। लैना वो बुक पढ़ना शुरू कर देती है। वो 3 हफ्ते तक वो बुक लगातार पढ़ती है पर उसे कुछ नहीं मिलता। जब 1 हफ्ता रह जाता है तब वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस हो जाती है। इसके बाद एमा और इथन को दिखाया जाता है। यहाँ लैना अंदर कमरे में होती है। एमा इथन को बताती है कि मैकन उसकी मॉम लीला को यहाँ कास्टर के बारे में बताया करता था। इथन एमा से पूछता है कि क्या मैकन मेरी मॉम लीला से प्यार करता था। एमा उसे बताती है कि उसकी मॉम उसके डैड से ही प्यार करती थी। मैकन उसकी मॉम के क्लोज था बस। अगले सीन में इथन अपने कमरे में होता है और वहाँ मैकन आ जाता है। मैकन इथन को वार्न करता है कि वो लैना को छोड़ दे। इसके बाद लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहाँ लैना अंदर कमरे में रीड कर रही होती है। यहाँ अंदर से एक आवाज आती है। इथन उससे पूछता है कि क्या हुआ। लैना कहती है कि उसे कुछ मिला है और वो कंसंट्रेट करना चाहती है इसीलिए इथन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एमा लैना को बताती है कि इथन यहाँ से चला गया है। लैना यहाँ रोने लगती है। एमा उसे चुप कराने की कोशिश करती है। लैना यहाँ बताती है कि कर्स को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप जिससे प्यार करते हो उसे मरना होगा। पर लैना कहती है कि वो इथन को हार्म नहीं कर सकती। लैना इथन को मिलकर झूठ बोलती है
कि सिंपल रिचुअल्स से कर्स ठीक हो जाएगा और ये भी बताती है कि अब उस पर कोई टैटू भी नहीं है। इसके बाद ईथन लैना को डांस के लिए पूछता है। लैना उससे पूछती है कि वो हर साल क्रिसमस पर क्या विश करता है। ईथन कहता है कि उसे स्नो वाला क्रिसमस देखना है। लैना यहाँ जादू से स्नो गिरा देती है और अपने दिमाग में कहती है गुड बाय ईथन। अगले सीन में ईथन अपने बेड पर होता है। यहाँ एमा ईथन से लैना के बारे में बात करती है पर ईथन की बातों से एमा को पता चलता है कि लैना ने ईथन की मेमोरी इरेज कर दी है। के बाद रिडले और सेरेफिन को दिखाया जाता है जो कि ईथन के फ्रेंड लिंक को अपने प्लान में इन्वॉल्व करने की बात करते हैं। इसके बाद रिडले लिंक को अपने स्पेल से बुलेट्स बनाना सिखाती है। अगले सीन में एक तरफ लैना का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और दूसरी तरफ लिंक और ईथन ग्रीन बेयर में जाते हैं। वहाँ वो दोनों एक दूसरे को खाली गन से शूट करते हैं पर लिंक की गन में गोली होती है और वो ईथन को लग जाती है। लैना को पता चलता है कि ईथन को कुछ हो गया है। वो ईथन के पास जाती है और लैना लिंक को हर्ट कर देती है और वहाँ सेरेफिन आ जाती है। यहाँ लैना गुस्से में आकर स्ट्रॉम बना देती है लेकिन ईथन की बॉडी से आवाज आती है कि लैना रुक जाओ और ईथन मैकन में बदल जाता है। मैकन यहाँ कहता है कि कर्स को खत्म करने के लिए किसी प्यारे की मौत होनी चाहिए इसीलिए उसने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। लैना यहाँ गुस्से में मून को ही छुपा देती है जो कि आज तक कोई भी कास्टर नहीं कर पाया था। यहाँ रिडले और सेरेफिन काफी हैरान हो जाती है। रिडले लैना को उसे छोड़ने के लिए कहती है और लैना रिडले को यहाँ से जाने देती है। इसके बाद लैना सेरेफिन से पूछती है कि क्या वो उसे प्यार करती है। सेरेफिन कहती है कि वो नहीं जानती और वो उसे मारने लगती है और कहती है कि वो उसे करती है प्यार। पर लैना उसे कहती है कि अब बहुत देर हो गई है, उसे वो वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे जिसका उसे मतलब नहीं पता और लैना सेरेफिन को मार देती है। यहाँ ये सीन कट हो जाता है और मूवी फिर 6 महीने बाद की दिखाई जाती है। ईथन लाइब्रेरी में जाता है एमा को बाय कहने क्योंकि वो लिंक के साथ ट्रिप पर जा रहा था और वहाँ लाइब्रेरी में लैना बैठी होती है। यहाँ ईथन लैना की पोएम की तारीफ करता है। यहाँ टेबल पर एक बुक पड़ी होती है जिनके बारे में वो पहले भी डिस्कस कर चुके होते हैं पर ईथन को ये याद नहीं होता और लैना ईथन को वो बुक गिफ्ट कर देती है। ईथन उसे थैंक यू कहता है और चला जाता है। ईथन वही बुक कार में रीड कर रहा होता है और रास्ते में वही बोर्ड साइन आता है और ईथन को कुछ याद आता है और वहाँ गाड़ी रुकती है और ईथन लैना को पुकारता है और लैना जो कि हाफ व्हाइट और हाफ डार्क होती है ईथन की आवाज सुन के पूरी तरह व्हाइट में बदल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज इस वीडियो को अनलाइक कीजिएगा ताकि मुझे मेरी गलती का पता चल सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।